दोस्तों, मेरी बताई हुई इस चाय का सेवन कर लीजिए। आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि कोरोना क्या, कोरोना से बड़ी बीमारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इनफैक्ट ये आपकी इम्यूनिटी को ही नहीं बल्कि आपके बढ़ते हुए वजन को भी मोम की तरह पिघलाने का काम करेगी। और इसके साथ अगर आपको पुराने से पुराना गठिया, नसों में सूजन, जोड़ों का दर्द या कोई भी तकलीफ है तो वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आपके शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो भी ठीक हो जाएगा। आपका लिवर, आपकी किडनी, आपके सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाएंगे। तो चलिए, इस बढ़िया सी चाय को बनाना कैसे है, किन इंग्रेडिएंट को इसमें यूज करना है और कैसे इसको पीना है वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा तुलसी। तुलसी क्या करती है, आपकी इम्यूनिटी को एकदम से बूस्ट अप करती है। अगर आपको तेज बुखार हो या बहुत ज्यादा कफ बन रहा हो, उस टाइम अगर आप तुलसी वाली चाय का सेवन करते हैं या तुलसी के पत्तों को चबाकर या मुंह में रखकर पानी से निकल जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया है। तुलसी आपके पाचन तंत्र को बहुत अच्छा रखती है। आपके शरीर में जितनी भी गैस, एसिडिटी हो रही है उसको ये खत्म करती है। दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज करेंगे अदरक। आपने गर्मी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी अदरक लेनी है और तुलसी के पत्ते जो है वो 3 से 4 इस्तेमाल करने हैं। अदरक आपके शरीर के लिए वरदान का काम करती है। सबसे पहले आपके शरीर में जो भी वसा इकट्ठा हो गया है उसको ये पिघलाती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, तो जिससे आप जो भी खाएंगे वो आपके एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ना कि आपके शरीर में वसा के रूप में इकट्ठा होगा। आपको अगर कब्ज की, एसिडिटी की शिकायत रहती है, खट्टी टिकारों की, छाती में जलन, ये सारी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से दूर करके आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। इसके साथ अगर आपको बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाता है तो ये उन सब प्रॉब्लम्स को भी दूर करके आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करती है। अदरक का फायदा स्पेशली आपके अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के सूजन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ साथ अदरक आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके डिप्रेशन में जो आप आ चुके हैं उसको भी खत्म करती है और एक आपको अच्छी नींद देती है। अब इसके साथ हमें तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है, 2 काली मिर्च। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। इसमें होता है पिपेनिगम जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। आपके शरीर में जब ब्लड के थक्के नहीं जमेंगे, आपका खून गाढ़ा नहीं होगा तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। आपके शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकालता है। और काली मिर्च होती है कफ नाशक, तो अगर आपको सांस की तकलीफ है या कफ बहुत ज्यादा बनता है उसको ये दूर करके आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल, एक्ने रहते हैं, आपको कोई भी स्किन एलर्जी है, तो ये उन सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। और स्पेशली ये गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है, आपके शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उसको कंट्रोल करता है, आपके ऑर्गन्स को बिल्कुल स्वस्थ रखता है। तो अब क्या करना है, हमें एक सॉस पैन लेना है और उसमें 2 ग्लास पानी ऐड करना है। उसके बाद ये तीनों इंग्रेडिएंट उसमें ऐड कर दीजिए। पानी को इतना ज्यादा उबालिए कि जब तक वो 1 ग्लास ना रह जाए कड़कर। जैसे ही वो 1 ग्लास रह जाए तो उसको एक कांच के ग्लास में छान लीजिए और इसमें अपने स्वाद के अनुसार गुड़ मिला लीजिए। गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक तो हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गुड़ का सेवन जरूर करें। और अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर आपकी चाय बनकर तैयार है। अब जान लेते हैं इस चाय का सेवन कब करना है। तो इस चाय का सेवन आपने सुबह के खाने के या दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद करना है। और इस चाय का दूसरी बार सेवन आपको तब करना है जब आप अपनी चाय चीनी वाली जो पीते थे शाम के समय, आपको आदत थी, उसको छोड़कर आप इस चाय का सेवन करें। और फिर अपने शरीर में 1 महीने में आपके इतने बदलाव हो जाएंगे, आप इतने रोगों से दूर हो जाएंगे। आपके शरीर में जो सुस्ती छाई रहती थी ना, आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ गई है, चुस्ती फुर्ती आ गई है, आप अलग से जोश आ जाएगा आपके शरीर में, जो आपको रोगों से तो लड़ने की क्षमता देगा ही देगा और साथ में आपको अंदर से जवान और खुश भी रखेगा। आप इस चाय का सेवन करें और फिर देखें आपकी इम्यूनिटी कितनी जल्दी बूस्ट होती है। चाहे कोरोना हो या उससे बड़ी बीमारी हो, आपका कोई बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे, मजबूत हो चुके होंगे। बस हमेशा खुश रहें, इस चाय का सेवन जरूर करें और लोगों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी को बचा सकें और खुशनुमा बना सकें। मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।